सो हेलो एवरीवन, यह है होंडा इंडिया के Q2 के रिजल्ट। आगे हम यहां पर देखेंगे इस शेयर के रिजल्ट यहां पर कैसे रहे हैं। शुरुआत करेंगे यहां पर इस शेयर के टोटल इनकम से। ईयरली बेसिस में जो इनकम है वो 39,963 लाख थी, जो क्वार्टरली बेसिस में 29,650 लाख यहाँ पर हो गई है। क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो यहाँ पर डिक्रीज नहीं हुई है। आगे शेयर के टोटल एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस 34,277 लाख ईयरली बेसिस में थे, क्वार्टरली बेसिस में 25,437 लाख यहाँ पर हो गए हैं। इनकम के साथ साथ यहाँ पर जो है शेयर के एक्सपेंस भी डिक्रीज हुए हैं। आगे शेयर के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को देखें। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ईयरली बेसिस में 4,241 लाख था, क्वार्टरली बेसिस में 3,118 लाख यहाँ पर हो गया है। इनकम के साथ साथ यहाँ पर जो है शेयर के एक्सपेंस भी डिक्रीज हुए हैं, इसके साथ यहाँ पर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी डिक्रीज हुई है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर 41.82 रुपये से अब 30.75 रुपये हो गया है। ओवरऑल एनालाइज करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो शेयर के रिजल्ट है वो अच्छे नहीं रहे हैं। प्राइस लेवल की बात करते हैं तो 2,800 रुपये शेयर को आपको जो है मैक्सिमम टारगेट इस मंथ तक का देखने को मिल जाएगा। तो अभी इस शेयर को इस मंथ तक के लिए होल्ड करके फिर चाहे सेल करना चाहे तो सेल भी कर सकते हैं। रिजल्ट अच्छे नहीं रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड मत करिए।